नमस्कार, शाम के 7 बजने को है देश के सबसे विश्वसनीय नंबर वन शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। चुनाव से करीब 15 महीने पहले गुजरात को मुख्यमंत्री के तौर पर नया चेहरा मिल गया है। अमित शाह और बीजेपी शासित 5 सूबों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में भूपेंद्र पटेल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। नए सीएम भूपेंद्र पटेल को पता है कि गुजरात में बीजेपी के विजय अभियान को आगे बढ़ाने के लिए उनके पास वक्त बेहद कम है और उनकी चुनौतियां कहीं ज्यादा हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि भूपेंद्र पटेल पर पीएम मोदी का भरोसा है। आज शपथ ग्रहण में गृहमंत्री अमित शाह ने पीठ थपथपाकर भूपेंद्र पटेल को संदेश दिया कि मिशन गुजरात में उनका हाथ भूपेंद्र पटेल के साथ है। देखिए, भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल ईश्वर ने नामे सौगंध लऊं छू के कायदा की स्थापित भारत का संविधान प्रत्ये श्रद्धा पूर्वक ने अंतःकरण पूर्वक बजावी। चुनावी समर से पहले गुजरात बीजेपी को नया सारथी मिल गया है, वो सारथी जिसके कंधे पर गुजरात में बीजेपी के विजय रथ को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। वो सारथी जिसकी अगुवाई में बीजेपी अगले साल विधानसभा चुनाव में उतरेगी और जो पीएम मोदी के गृह राज्य में फिर पार्टी का पताका फहराने के लिए नेताओं को एकजुट करेगा। गुजरात के सीएम बने भूपेंद्र पटेल पर जिम्मेदारी बड़ी है, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी और अमित शाह का भरोसा उनके साथ है। शपथ ग्रहण के बाद की तस्वीरें भूपेंद्र पटेल की भूमिका को लेकर काफी कुछ बयां कर देती है। भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण के बाद खुद गृह मंत्री अमित शाह उन्हें बधाई देने के लिए सबसे आगे आते हैं और फिर उनकी पीठ इस अंदाज में थपथपाते हैं कि मानो संदेश दे रहे हों कि हाईकमान का हाथ उनके साथ है। और इसी भरोसे के चलते भूपेंद्र भाई की किस्मत का कमल लहलहा कर खिल पड़ा है। भूपेंद्र ना तो कभी सरकार में मंत्री रहे और ना कभी उनके पास बड़ा पद रहा, लेकिन उन्हें गुजरात की कमान देकर पूरी पार्टी को साफ संदेश दे दिया गया है। यानी गुजरात के विधानसभा चुनाव में नाम नरेंद्र मोदी का चलेगा और चेहरा भूपेंद्र पटेल होंगे। भूपेंद्र पटेल भी पीएम मोदी के नेतृत्व में इस भूमिका पर खरा उतरने का भरोसा दिला रहे हैं। गुजरात के नए सीएम के नाम के ऐलान में भी मोदी और शाह के सरप्राइज फैक्टर ने सबको चौंका दिया। भूपेंद्र पटेल कहीं से भी रेस में नहीं थे, उनके नाम की कोई चर्चा तक नहीं थी, लेकिन फाइनल बाजी के वही विजेता बने। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने सिलेक्शन को इतना सीक्रेट रखा कि किसी गेस वर्क की गुंजाइश ही नहीं रही। भूपेंद्र पटेल का नाम सामने तब आया जब विधायक दल की बैठक में उनके नाम का ऐलान किया गया। ऐसे कार्यकर्ता श्री भूपेंद्र रजनीकांत पटेल इस ऐलान के वक्त भूपेंद्र पटेल खुद बैक बेंच पर बैठे थे और जब उनका नाम लिया गया तो उनके चेहरे पर जो भाव था उसे वहां मौजूद हर किसी ने देखा। जब प्रतिक्रिया की बात आई तो उनकी जुबान से धन्यवाद से ज्यादा कुछ नहीं निकल सका। माननीय नरेंद्र भाई, माननीय नड्डा जी और अमित भाई शाह साहब का तहे दिल से आभार मानना चाहता हूँ और गुजरात प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता माननीय सी आर पाटिल साहब और हमारे विजय भाई साहब की टीम का सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद मानता हूँ। यहाँ तक कि परिवार वालों को भी भूपेंद्र पटेल की इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलने की खबर नहीं थी। जब उनकी पत्नी से पूछा गया कि उन्हें इसकी खबर कब मिली तो उनका जवाब यही था कि शाम के 4:05 पर टीवी पर चली खबर से उन्हें ये खुशखबरी मिली। एक्सपेक्ट नहीं किया था हमने, लेकिन जब उसका नाम आया ना तो हमको बहुत खुशी हुई थी। आज किस प्रकार का घर पे माहौल है, क्या क्या प्रिपरेशन उनके लिए की गई है? आज तो हमारे घर पे दिवाली जैसा माहौल है। अब भूपेंद्र पटेल ने गुजरात जैसे अहम सूबे की जिम्मेदारी संभाल ली है, उन्हें खुद भी एहसास है कि
कि गुजरात का मुख्यमंत्री होने के मायने क्या है। यही वजह है कि सीएम पद की शपथ लेने से पहले उन्होंने मंदिर मंदिर जाकर भगवान का भी आशीर्वाद लिया। भूपेंद्र पटेल के शपथ लेने के बाद पूरा हॉल भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा और इस गूंज के साथ ही भूपेंद्र पटेल का गुजरात अभियान भी शुरू हो गया। गोपी खांगर, अहमदाबाद आज तक। गुजरात में बीजेपी की राजनीतिक जड़ें मजबूत करने में पटेल समुदाय की अहम भूमिका रही है। यही वजह है कि मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार में पाटीदार समुदाय से आने वाले मनसुख मंडाविया और पुरुषोत्तम रूपाला को जगह मिली और अब सूबे की सत्ता भी पटेल समुदाय के नेता के हाथ में सौंप दी गई है। ऐसे में ये बात समझना जरूरी है कि आखिर क्यों बीजेपी ने गुजरात चुनाव से ठीक पहले पटेल नेता पर दांव लगाया है। क्या बीजेपी को पाटीदार समुदाय का वोट खिसकने का डर था और क्या अब मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरों को शामिल कर बीजेपी सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश करेगी। भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल, ईश्वर ने नामे सौगंध लऊं छूं के कायदात की स्थापित भारत ना संविधान प्रति। चुनाव से चंद महीने पहले गुजरात में बीजेपी ने अपना चेहरा बदल दिया। पहली बार विधायक बने भूपेंद्र पटेल के हाथ में अब गुजरात की कमान है। भूपेंद्र पटेल की ताजपोशी में पीएम मोदी का विश्वास काम आया तो उनका पाटीदार होना भी एक बड़ा फैक्टर रहा, क्योंकि कहा जा रहा है कि गुजरात का किला बचाए रखने के लिए बीजेपी को पाटीदार वोटों की सख्त जरूरत है। बीजेपी ने भूपेंद्र पटेल की साफ छवि देखी, जातीय समीकरण का नफा नुकसान देखा और उनके नाम का ऐलान कर दिया। मुख्यमंत्री बदल देना, कैबिनेट में इस तरह से बदलाव करना जहां स्वास्थ्य मंत्री तक को हटाना पड़ जाए, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि विफलता सरकार की है, केंद्र सरकार की है। दोष आप किसी पर मढ़ते रहिए। जिनको सजा मिलनी चाहिए वो तो वो है जो हम दो हमारे दो की सरकार चला रहे हैं, वो अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी हैं, स्वयं हैं। तो बदलते रहे, उससे क्या होता है? जनता को जिसको सजा देनी है जनता सजा देगी। हमारी पार्टी में अलग अलग समय पे कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारियां मिलती रहती हैं। भूपेंद्र भाई पटेल अपनी पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, विधायक बने हैं और विधायक दल से ही पार्टी का नेता चुना गया है और अगले चुनाव हम उनके नेतृत्व में जीतेंगे सुनिश्चित। परंतु विपक्ष का काम है अपनी बात करें, वो पंजाब में क्या हो रहा है, जहाँ राजस्थान में क्या हालत रही उनकी, जहाँ अभी छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है उसकी बात करें। गुजरात में करीब करीब 20-22 फीसदी वोटर पाटीदार हैं, जिसमें करवा पटेल 60 फीसदी और लेउवा पटेल 40 फीसदी हैं। 2017 विधानसभा चुनाव की बात करें तो करवा पटेल के 27 फीसदी वोट कांग्रेस के खाते में गए हैं। ये आंकड़ा पिछली बार से 18 फीसदी ज्यादा है। वहीं बीजेपी को इस समुदाय के 10 फीसदी वोट कम मिले हैं, जो घटकर 68 फीसदी तक पहुंच गया। कांग्रेस को पिछले चुनाव के मुकाबले लेउवा पटेलों के 31 फीसदी ज्यादा मत मिले हैं, जो 46 फीसदी तक पहुंच गया, जबकि बीजेपी को 12 फीसदी वोट का नुकसान हुआ, उसे लेउवा पटेल के 51 फीसदी वोट मिले। करवा पटेल की संख्या न केवल ज्यादा है बल्कि हार्दिक पटेल भी उसी समुदाय से आते हैं जो लगातार पाटीदारों के मुद्दों को लेकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और कांग्रेस दावा कर रही है कि यह हार्दिक पटेल का ही असर है कि बीजेपी को गुजरात में पाटीदार समुदाय का सीएम बनाना पड़ा। नाहों की पूरी गठरी वो मुख्यमंत्री के सर पे रख के उसे बाहर का रास्ता दिखाते और प्रदेश के लोगों को, जनता को गुमराह करने के लिए नया मुख्यमंत्री ले आते हैं। अगर यही कारण है और निश्चित तौर से यही कारण है तो सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए। हालांकि सवाल ये भी है कि क्या पाटीदार समुदाय का मुख्यमंत्री बनाने भर से गुजरात में बीजेपी की चुनौतियां खत्म हो जाएंगी? क्या जिस तरह से गुजरात में सीएम का चेहरा बदला गया उसे हर किसी ने स्वीकार कर दिया है? खुलकर तो कोई कुछ नहीं कह रहा, लेकिन नितिन पटेल की आंखों में आए आंसू काफी कुछ कह गए। इन्हें कोई दर्द नहीं होता है। हमने भी कई लोगों को एमएलए की टिकट नहीं दी है,
एमपी की टिकट नहीं दी है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में कॉरपोरेशन की टिकट नहीं दी है, हमने भी ऐसे निर्णय किए है, तो निर्णय तो करना ही पड़ता है और वो निर्णय जो है वो स्वीकार करना वो एक कार्यकर के तौर पर। चर्चा ये भी है कि नए सीएम के साथ गुजरात सरकार का मंत्रिमंडल कैसा होगा, क्या मंत्रिमंडल में भी नए चेहरों को मौका देकर सामाजिक समीकरण को साधने की कोशिश होगी, और सबसे बड़ी बात ये कि पाटीदार नेता के मुख्यमंत्री बनने के बाद अब नितिन पटेल का क्या होगा। अब सवाल ये भी है क्योंकि कैबिनेट में कई सारे बदलाव होने हैं, तो वैसे में दो पाटीदार यानी मुख्यमंत्री पाटीदार और डेप्टी सीएम पाटीदार, ये कॉम्बिनेशन क्या चलेगा, ये भी सवाल है। तो हो सकता है कि नितिन पटेल को डेप्टी सीएम ना भी बनाए, सीनियोरिटी है कहीं ना कहीं, नितिन पटेल को मंत्रिमंडल से हटाया भी जा सकता है, इस तरीके की भी बातें जो सीनियर है वो कहते हैं। माना जा रहा है कि भूपेंद्र पटेल की नई टीम गुजरात चुनाव को ध्यान में रखकर तैयार की जाएगी, क्योंकि कुछ हलकों में चर्चा इस बात की भी है कि यूपी के साथ ही गुजरात के चुनाव भी कराए जा सकते हैं। यही वजह है कि शपथ लेते ही भूपेंद्र पटेल एक्शन मोड में आ गए। सूबे में आई बाढ़ को लेकर इमरजेंसी बैठक बुलाई और राहत बचाव के काम को तेज करने के निर्देश दिए। भूपेंद्र पटेल को पता है कि चुनाव से पहले उनके पास वक्त कम है और चुनौतियां ज्यादा। गुजरात में पार्टी ने उन्हें चेहरा बनाया है और उन पर इस भरोसे को गुजरात विजय में बदलने की बड़ी जिम्मेदारी है। अहमदाबाद से गोपी खांगर के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात में वैसे तो अगले साल के आखिर में यानी कि नवंबर दिसंबर के आसपास होने हैं चुनाव, लेकिन तैयारी बीजेपी ने अभी से शुरू कर दी है। वहीं यूपी में जहां फरवरी मार्च में चुनाव हो सकते हैं, यूपी में अभी विधानसभा चुनाव तकरीबन 6 महीने दूर है, लेकिन सियासत का दंगल जारी है। इस बार बवाल उठा है योगी आदित्यनाथ के अब्बाजान वाले तंज पर, जिस पर विरोधी पलटवार कर रहे हैं। कोई अब्बाजान जैसे शब्द के बहाने योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठा रहा है, तो कोई इसे बीजेपी के धर्म वाली राजनीति का रूप बता रहा है। अब्बाजान कहने वाले आसन हजम कर जाते थे। अब्बाजान योगी आदित्यनाथ के सियासी शब्दकोश से निकला एक ऐसा शब्द जिसका इस्तेमाल वो इशारों इशारों में हमले के लिए कर रहे हैं, और इस शब्द के सहारे ऐसा वार कर रहे हैं कि यूपी की सियासत में घमासान मच गया। योगी के हमलों और निशाने पर आए विपक्ष की बात बाद में, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर अब्बा जान कहने वाले हैं कौन। यूपी की सियासत में इस शब्द के मायने क्या हैं और क्यों योगी बार बार अब्बा जान बोलकर विरोधियों पर वार कर रहे हैं। अब्बा जान कहने वाले आसन हजम। दरअसल इस शब्द के मायने के पीछे पूरा गणित 2022 के यूपी चुनाव का है। इस शब्द की धार्मिक व्याख्या है, तुष्टीकरण वाली राजनीति पर तंज है, और इस शब्द में ध्रुवीकरण कराने का भी दम है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तुष्टीकरण बनाम विकास का मतलब समझा रहे थे। सबसे पहले गौर से उसे सुनिए। तो राशन तो नहीं निकल पाएगा लेकिन जेल जरूर चला जाएगा। अब्बा जान के बहाने योगी पिछली सरकारों पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं, वहीं विपक्षी दल योगी से उनके कामकाज का हिसाब मांग रहे हैं। मैं ये चैलेंज करके कहता हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में सिर्फ एक चीज नहीं, सिर्फ राशन की बात नहीं है, चाहे राशन हो, चाहे लैपटॉप्स हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, हर चीज में सबको बराबर का संभाग मिला है, सबको बराबर की हिस्सेदारी मिली है, सबको बराबर की ताकत मिली है। ये इस प्रकार की जो भाषा बोलकर लोगों के अंदर ये विभेद पैदा करना, ये उचित बात नहीं है। असली बात है विकास की। विकास में ये सरकार फेल हो गई है योगी जी की। पूरे चुनाव को सांप्रदायिक स्थिति में लाने का प्रयास है, और मैं समझता हूं इस बार नौजवानों ने पूरा मन बना लिया है। और मुख्यमंत्री से उनका सवाल है कि मुख्यमंत्री जी बताई ना, भर्तियां कहिया होई।
अब्बा जान को लेकर छिड़े घमासान में असदुद्दीन ओवैसी भी उतर आए हैं और मुसलमानों की स्थिति को लेकर योगी सरकार से सवाल पूछ लिया। कैसा तुष्टीकरण, प्रदेश के मुसलमानों की साक्षरता दर सबसे कम है, मुस्लिम बच्चों का ड्रॉपआउट रेट सबसे ज्यादा है, मुस्लिम इलाकों में स्कूल कॉलेज नहीं खोले जाते, अल्पसंख्यकों के विकास के लिए केंद्र सरकार से बाबा की सरकार को 16,207 लाख रुपए मिले थे, बाबा ने सिर्फ 1602 लाख रुपए खर्च किया। 2017-18 में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत मात्र 10 मुसलमानों को घर मिले। अब्बा जान के बहाने किसके वोटों का पुष्टिकरण हो रहा है बाबा? देश के 9 लाख बच्चे गंभीर तौर पर कुपोषित हैं, जिसमें से 4 लाख बच्चे सिर्फ उत्तर प्रदेश से हैं। यूपी में अगले साल चुनाव हैं, लिहाजा बात सिर्फ अब्बा जान वाले हमले तक रुक नहीं रही। समाजवादी पार्टी पर योगी के लगातार हमलों का सिलसिला जारी है और इन हमलों में राम मंदिर आंदोलन की तपिश भी दिख रही है। क्या राम भक्तों पर गोली चलाने वाले राम मंदिर बनाते? क्या गोली चलाने वाले और दंगा कराने वाले कश्मीर से धारा 370 को हटाते? तालिबान का समर्थन करने वाले क्या 3 तलाक को रोकते? तो भाइयों बहनों, फिर इस जातिवादी और वंशवादी मानसिकता को प्रदेश की जनता कतई बर्दाश्त न करे। 2022 यूपी चुनाव अभी 6 महीने दूर हैं और राजनीति का ये अंदाज आने वाले दिनों की तस्वीर दिखा रहा है। इसकी झलक आज तक के कार्यक्रम में ही दिख गई थी, जब अखिलेश पर हमले के लिए योगी ने अब्बा जान शब्द का इस्तेमाल किया था। अखिलेश यादव जी मंच पर थे, उन्हें कहा कि कुछ चीजों का क्रेडिट ये सिर्फ सरकार लेती है, शिलान्यास हमने किए, काम हमने किए, उद्घाटन करने योगी जी पहुंच गए। देखिये, वो सच बोल रहे हैं कि हमने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये हमें ने कहा था और हमने कितना सच किया है। आज जब अयोध्या में राम जन्मभूमि के निर्माण भव्य मंदिर निर्माण का कार्य शुभारंभ हो चुका है, उनके अब्बा जान तो कहते थे कि हम परिंदा भी पर नहीं मारने देंगे। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल गर्माने के साथ साथ नए नए शब्दों से हमलों का सिलसिला शुरू हो गया है, जो आने वाले दिनों में और भी तेज होना तय है। आज तक ब्यूरो। वहीं भगवान राम की नगरी अयोध्या इस बार यूपी की सियासी पार्टियों के लिए धाम बन गई है। हर पार्टी का नेता अयोध्या से अपने अभियान की शुरुआत कर रहा है, हर कोई भगवान राम के सहारे चुनावी नैया पार करने की कोशिश में जुटा हुआ है और अब अयोध्या में धर्म की सियासी जंग में आम आदमी पार्टी भी कूद पड़ी है। यूपी में चुनावी शोर है, हर दल हर पार्टी में भक्ति का जोर है, हर कोई भक्ति से सियासी शक्ति हासिल करने में जुटा है और सियासत के इस धर्म कर्म का केंद्र बन गई है भगवान राम की नगरी अयोध्या। आम आदमी पार्टी ने भी अपना चुनावी अभियान अयोध्या से ही शुरू किया है। मंगलवार से शुरू होने वाली तिरंगा यात्रा से पहले खुद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अयोध्या पहुंचे, साधु संतों का आशीर्वाद लिया, संतों के साथ बैठकर भंडारे में खाना खाया और फिर भक्ति भाव में डूब गए। यूपी में इन दिनों कुछ ऐसी सियासी बयार बह रही है कि हर किसी के कर्म में धर्म की झलक दिखी जाती है। हर कोई खुद को राम भक्त बता रहा है और हर किसी को यूपी में भगवान राम की कृपा बरसने का भरोसा है। भगवान राम के दर्शन करने के लिए और हनुमान जी के दर्शन करने के लिए इसीलिए आए कि उत्तर प्रदेश में सरकार बने और देश भर की राजनीति भगवान राम की राजनीति से प्रेरणा ले, जिसमें वो सबरी को भी उतना ही पवित्र मानते थे, जिसमें वो अपने नगरी के रहने वाले सभी लोगों को इंसान के रूप में सबको बढ़िया मानते थे और सबके लिए शिक्षा, सबके लिए स्वास्थ्य, इसकी व्यवस्था हो। दरअसल अयोध्या इस बार यूपी की सियासत का केंद्र बिंदु बना हुआ है, यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ बार बार अयोध्या का दौरा कर रहे हैं। बीएसपी ने अपने ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत अयोध्या से ही की, ओवैसी ने भी अयोध्या की धरती से चुनावी आगाज किया और समाजवादी पार्टी यहां प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है। यानी सभी पार्टियों को पता है कि 2022 में यूपी की जीत का रास्ता अयोध्या से होकर गुजरेगा।
भक्ति के जरिए चुनावी शक्ति जुटाने की कुछ ऐसी ही तस्वीरें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के रायबरेली दौरे पर भी नजर आई। रायबरेली पहुंचने पर पहले प्रियंका गांधी ने रास्ते में हनुमान मंदिर में दर्शन किए थे, लेकिन इस सियासी कवायद के बीच सवाल यह है कि भक्ति के जरिए वोटरों को लुभाने की कोशिश में विपक्ष कितना कामयाब होगा, क्योंकि चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं की भक्ति के बहाने बीजेपी पूरे विपक्ष को निशाने पर ले रही। यहाँ श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी को सीएम फेस बनावे, चाहे श्री राहुल गांधी जी को सीएम फेस बनावे और चाहे जो बयान दे रहे हैं वो स्वयं बन जावे, लेकिन उत्तर प्रदेश और देश की जनता ने कांग्रेस को अस्वीकार कर दिया है। अभी कांग्रेस का यूपी में कोई भविष्य नहीं है और भारतीय जनता पार्टी 2022 का चुनाव फिर से मजबूती से लड़ रही है और जीतने जा रही है और हम सरकार फिर से बनाने जा रहे हैं। यूपी की सियासी सरगर्मी के बीच पार्टियां सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे जीत का प्लान तैयार कर रही हैं और राम का नाम लेकर चुनावी बेड़ा पार करने की कोशिश में हैं। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन जब वापस लौटेंगे तो आगे आपको दिखाएंगे यूपी में चुनाव है, जाट राजा पर दांव है। शाम के 7:30 बज चुके हैं। शंकरनाथ में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। जिस अलीगढ़ में एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहले ही मौजूद है, उसी अलीगढ़ में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर एक नई यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखेंगे। अलीगढ़ में जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी का वादा 2 साल पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था, जिसे कल पीएम मोदी पूरा करने के लिए जा रहे हैं। देखिए, सड़कों के किनारे विशालकाय होर्डिंग्स लग गए हैं, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बड़ी तस्वीरें साफ नजर आ रही हैं। प्रशासन पूरी तरह चौकस है, सड़कों पर जगह जगह चेकिंग चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को अलीगढ़ पहुंच रहे हैं। उनकी यात्रा की तैयारियों में रत्ती भर कोर कसर न रह जाए, इस नाते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद आला अफसरों के साथ अलीगढ़ पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। योगी आदित्यनाथ उस पंडाल में भी पहुंचे जहां प्रधानमंत्री मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। मंच पर पहुंचकर योगी ने पूरे इंतजाम का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को दोपहर 12 बजे अलीगढ़ पहुंचेंगे। मोदी अलीगढ़ से 30 किलोमीटर दूर लोधा गांव में राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक कहावत है, जिसके साथ जाट उसी की ठाट। 2014 से 2019 तक जाट समुदाय भारतीय जनता पार्टी के साथ डटकर खड़ा रहा है, लेकिन अब की बार मामला कुछ और है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं तो दूसरी तरफ किसानों का आंदोलन जोर पकड़ रहा है और इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी जाटों पर फोकस बनाए हुए है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी के शिलान्यास के लिए अलीगढ़ आएंगे, उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होंगे। प्रधानमंत्री मोदी के अलीगढ़ दौरे को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में है। मोदी की जनसभा के लिए विशालकाय पंडाल बनाया गया है, जिसमें लाल रंग की हजारों कुर्सियां लगाई गई हैं। इंतजाम ऐसा है कि अगर 1.5 लाख लोग भी जनसभा में पहुंच जाए तो कोई दिक्कत न होने पाए। विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी जाएगी, उसी क्रम में यह पूरी तैयारी की जा रही है। जो हमारी सिक्योरिटी की ड्रिल है उसके हिसाब से पूरी ड्रिल कर ली गई है, SOP के हिसाब से पूरी ड्यूटी लगा दी गई है। जो भी CAPF की टीमें थी, BSF, CRPF, उनकी ड्यूटी लगा दी गई, RAF की लगा दी गई और डिफरेंट जो सिक्योरिटी एजेंसी के साथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था वो कर लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया तो PWD के दफ्तर में रखे राजा महेंद्र सिंह विश्वविद्यालय के 3D मॉडल का भी मुआयना किया। राजा महेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी 92.7 एकड़ जमीन पर बनेगा। यूनिवर्सिटी के पहले चरण में 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 2023 तक यूनिवर्सिटी को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इस यूनिवर्सिटी में डिफेंस स्टडीज की भी पढ़ाई होगी।
जो जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी हैं उनके नाम पर विद्यालय का माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं अलीगढ़ में उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं और ये वो विश्वविद्यालय होगा जहां पर पहला इंडिया में डिफेंस स्टडी को पढ़ाया जाएगा। यहां पर जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाले कोर्सेज हैं उनको पढ़ाया जाएगा और ये 92 एकड़ की परिधि में चलने वाला जो विश्वविद्यालय है इसमें 100 करोड़ से ऊपर की राशि प्रथम किस्त के रूप में हमने जारी भी कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी के अलीगढ़ दौरे को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जगह जगह चेकिंग अभियान चल रहा है। मोदी की सभा में मंच से लेकर हेलीपैड तक के इलाके को 3 सुपर जोन में बांटा गया है। इसमें पुलिस, पीएससी, पैरामिलिट्री फोर्स, एनएसजी और स्नाइपर की ड्यूटी लगाई गई है। ये पूरा सुरक्षा घेरा इनर रिंग के बाहर रखा गया है। इनर रिंग के अंदर एसपीजी रहेगी, आईजी, डीआईजी और एसपी स्तर के दर्जन भर अधिकारी मोदी के कार्यक्रम का सुरक्षा इंतजाम देखेंगे। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था में 25 एएस, 60 डीएसपी और पीएससी के 30 अफसरों को लगाया गया है। इससे पहले 8 सितंबर को भी योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ जाकर पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया था। उनके साथ उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी थे। हर अलीगढ़वासी, इस कमिश्नरी का वासी, आगरा कमिश्नरी का वासी प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए उतावला है। बड़े उमंग और उत्साह के साथ प्रधानमंत्री जी का स्वागत यहाँ पर करेगा और प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो एक दो महत्वपूर्ण अनमोल चीजें इस क्षेत्रवासियों को दी जा रही है और महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह जी की स्मृतियों को वर्तमान पीढ़ी के लिए स्मरणीय बनाने की जो कार्रवाई प्रारंभ हो रही है, इस दिशा से यहाँ पर इस कार्यक्रम के साथ हम सब जुड़ने के लिए आए हैं। 14 सितंबर 2019 को योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय निर्माण का वादा किया था और 2 साल के भीतर इसके शिलान्यास का दिन आ गया है। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को इस यूनिवर्सिटी के साथ ही अलीगढ़ के डिफेंस कॉरिडोर का भी शिलान्यास करने वाले हैं। ऐश्वर्या पालीवाल के साथ अकरम खान, अलीगढ़ आज तक। अद्भुत और अलबेली राजा थे महेंद्र प्रताप, उनके तमाम किस्से मशहूर हैं। उनका विवाद जींद रियासत की राजकुमारी से हुआ था। 2 स्पेशल ट्रेनों से उनकी बारात गई थी। जब भी राजा साहब ससुराल जाते थे तो उन्हें 11 तोपों की सलामी दी जाती थी। राजा महेंद्र प्रताप ने स्कूल कॉलेज के लिए दिल खोलकर जमीनें दान की थीं। क्रांतिकारी इतने कि 1915 में काबुल में उन्होंने भारत के अंतरिम सरकार का ऐलान कर दिया और खुद को घोषित कर दिया राष्ट्रपति। हाथरस के राजा महेंद्र प्रताप सिंह, जिनकी बहादुरी और दिलदारी की कहानियां कही जाती हैं, अब राजा साहब का नाम सियासत की बिसात पर बिछा हुआ है। कहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने जमीन दी थी, लेकिन यूनिवर्सिटी में कहीं भी उनका कोई जिक्र नहीं किया जाता है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो जाट राजा के रूप में जाने जाते थे, अफगानिस्तान में उन्होंने एक अंग्रेजों से लड़ते हुए एक अंतरिम सरकार का गठन भी किया था और जो पहला टेक्निकल विद्यालय है मैं समझता हूँ एशिया में होगा, वो उन्होंने वृंदावन में मथुरा में बनाया था। मदन मोहन मालवीय जी ने उसका उद्घाटन किया था। कासगंज में उन्होंने विद्यालय बनाया, बीएचयू के लिए जमीन दी, उसके बाद मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के लिए उन्होंने जमीन दी, लेकिन जमीन देने वाले व्यक्ति का नाम कहीं उस विश्वविद्यालय में दर्ज नहीं है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर सियासत की चर्चा तो हम करेंगे ही, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह थे कौन। राजा महेंद्र प्रताप सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1886 को हाथरस के मुरसान के राजा घनश्याम सिंह के यहाँ हुआ था। जब वो 3 वर्ष के थे तब हाथरस के राजा हरिनारायण सिंह ने उन्हें पुत्र के रूप में गोद ले लिया। बाद में महेंद्र प्रताप हाथरस राज्य के राजा बने। अलीगढ़ में सर सैयद खान ने जिस मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, वहाँ राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने बीए में एडमिशन लिया था। यहाँ वो 1906 तक पढ़े थे। बाद में इसी कॉलेज को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया गया।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का सिटी हाई स्कूल जहां बना है वो जमीन राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने एएमयू को दान में दी थी। इनकी जितनी भी पूरी स्टडी थी वो एक तरीके से टू प्रोडक्ट थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की कल्चर के। सिटी हाई स्कूल जहां हमारा बना हुआ है वो पूरी जमीन राजा महेंद्र प्रताप की थी और 99 ईयर्स के लिए उन्होंने डोनेट की। तो वो 1895 से लेकर 1907 तक स्टूडेंट थे और वहाँ उनका एक अरेंजमेंट था, हॉस्टल जैसा अरेंजमेंट था उनका, हॉस्टल जैसा क्या, हॉस्टल ही था, उसमें वो अपना रहते थे क्योंकि राजा थे तो उसी एतबार से रहते थे। ग्रेजुएशन कंप्लीट किए बगैर वो 1907 में निकल गए और उसके बाद आज़ादी की लड़ाई में वो शामिल हो गए। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में तरह तरह की कहानियां प्रचलित हैं। वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पत्रकार, लेखक, क्रांतिकारी और समाज सुधारक थे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह आर्यन पेशवा के नाम से प्रसिद्ध थे। 1906 में जींद के महाराजा की इच्छा के विपरीत राजा महेंद्र प्रताप ने कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया। 1909 में वृंदावन में उन्होंने प्रेम महाविद्यालय की स्थापना की जो भारत में तकनीकी शिक्षा का पहला केंद्र था। 1 दिसंबर 1915 को उन्होंने काबुल से भारत की अंतरिम सरकार का ऐलान कर दिया जिसका राष्ट्रपति उन्होंने खुद को घोषित किया और प्रधानमंत्री मौलाना बरकतुल्ला खान को बताया था। 1920 से 1946 तक वो विदेश मंत्री ही रहे और 1946 में भारत लौटे। 1962 में राजा साहब ने अलीगढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीते भी। उन्होंने ब्रिटिश सरकार का से विरोध किया और जब 1914 की लड़ाई शुरू हुई तो अफगानिस्तान गए, वहाँ उन्होंने आज़ाद हिंदुस्तान की एक हुकूमत बनाई। कांग्रेस सरकार उनके पीछे हो गई, अमीर हबीबुल्ला थे अफगानिस्तान के, उन्होंने फिर एक्सपेल किया अफगानिस्तान से उन्हें, तो वो फिर ईरान और तुर्की और जर्मनी गए। बहुत दिन तक बाहर रहे क्योंकि उनके खिलाफ वारंट था और सिर्फ दूसरी जंग के बाद, लड़ाई के बाद, वर्ल्ड वॉर के बाद वो फिर हिंदुस्तान वापस आए आज़ादी से कुछ दिन पहले। कई मीडिया रिपोर्ट में ऐसा कहा गया था कि राजा महेंद्र प्रताप जिन्ना के विरोधी थे। चर्चा ये भी थी कि राजा महेंद्र प्रताप ने 1930 में महात्मा गांधी को चिट्ठी लिखकर आगाह किया था। इस चिट्ठी में उन्होंने जिन्ना को जहरीला सांप बताया था। हालांकि इतिहासकार और खुद राजा साहब के वंशज इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। जी, जो आपका ये सवाल है कि महात्मा गांधी जी ने और राजा महेंद्र प्रताप जी ने कोई संपर्क करा था या कोई चिट्ठी लिखी थी आपस में जिसमें जिन्ना जी का जिक्र है, मेरा ये मानना है कि ये बात गलत है। फर्स्टली ऐसी उनका कॉरेस्पॉन्डेंस तो आपस में होता था लेकिन इस तरह की कोई चिट्ठी नहीं है। राजा महेंद्र सिंह की निशानियां हाथरस में मौजूद हैं तो वहीं उनकी समाधि मथुरा के वृंदावन में है लेकिन ये जर्जर हालत में है। अब अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया जा रहा है तो हाथरस वाले जिले का नामकरण राजा साहब के नाम पर करने की मांग कर रहे हैं। तो मथुरावासी चाहते हैं कि राजा साहब की समाधि स्थल का भी जीर्णोद्धार हो जाए। हाथरस से राजेश के साथ शिवम श्रीवास्तव, अलीगढ़ आज तक। राजा महेंद्र प्रताप ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए जमीन दी लेकिन एएमयू ने कभी भी उन्हें याद नहीं किया। कुछ ऐसा ही इल्जाम लगाते हुए बीजेपी ने 2014 में राजा महेंद्र प्रताप की जयंती मनाने के लिए अभियान चलाया था। तब जमकर विवाद हुआ था। एक बार फिर राजा महेंद्र प्रताप का नाम सियासत की बिसात पर है। कहावत है कि उत्तर प्रदेश में सत्ता का सूरज पश्चिमी यूपी से निकलता है और यहाँ के जाटलैंड में किसान आंदोलन ने यूपी सरकार की नाक में दम कर दिया है और ऐसे में जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी का शिलान्यास कहीं बीजेपी का ट्रंप कार्ड तो नहीं? राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, शिक्षाविद थे, समाज सुधारक थे। राजा महेंद्र प्रताप ने 95 साल की उम्र में 29 अप्रैल 1979 को दुनिया को अलविदा कहा था लेकिन अब उनके निधन के 4 दशक बाद उनके नाम पर सियासत हो रही है। सबसे पहले 2014 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में राजा महेंद्र प्रताप सिंह का जन्मदिन मनाने को लेकर बवाल मचा था। तब बीजेपी ने सवाल उठाया था कि अगर एएमयू के संस्थापक सर सैयद अली खां का जन्मदिन मनाया जाता है
तो यूनिवर्सिटी के लिए जमीन देने वाले राजा महेंद्र प्रताप सिंह का जन्मदिन क्यों नहीं मनाया जा सकता है? कि जब 67 ये मनाया जाता है तो राजा महेंद्र प्रताप जी का जन्मदिन क्यों नहीं, उनके नाम का कोई भी द्वार क्यों नहीं, गेट क्यों नहीं, आप उसको सभागार में क्यों नहीं मनाते अपने में, और उसका कोई ना कोई प्रोग्राम क्यों नहीं करते राजा महेंद्र प्रताप का? राजा महेंद्र सिंह की जयंती मनाने को लेकर एएमयू प्रशासन और बीजेपी में तलवारें तन गई। एएमयू में उस वक्त के कुलपति जमीरुद्दीन शाह ने यूनिवर्सिटी परिसर में राजा महेंद्र सिंह का जन्मदिन मनाने की इजाजत देने से साफ इनकार कर दिया। यूनिवर्सिटी जो है खाली सर सही डे मनाती है, एक ही एनिवर्सरी, अगर 60-70-80 एनिवर्सरी मनाने लगे तो पढ़ाई का टाइम कहाँ मिलेगा। लेकिन किसी भी चीज पे अगर किसी का सहयोग हो जाए तो फाउंडर नहीं हो सकता। सर सैयद के अलावा, राजा महेंद्र प्रताप के अलावा, आप ऐसे साउथ और नॉर्थ में जाएं तो हर कमरे के ऊपर आपको मिलेगा कि इन्होंने कंट्रीब्यूट किया इस कमरे को। तो अगर एक शैक्षणिक संस्था में रोज हम जो है सबकी याद मनाने लगे, सबका फाउंडर डे मनाने लगे, तो ये तो मुल्क के लिए खतरा है कि आप जनरेशन खराब होगी, माहौल नहीं रहेगा पढ़ाई लिखाई का। 2014 में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर विवाद की इस चिंगारी को बीजेपी अपने पक्ष में भुनाना चाहती है। सियासी पंडित मानते हैं कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी के शिलान्यास से बीजेपी अलीगढ़, हाथरस और मथुरा से लेकर मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर तक जाटलैंड में अपना संदेश देना चाहती है। शिवम सारस्वत, अलीगढ़ आज तक। पश्चिमी यूपी की सीटों पर 2017 जैसा ही प्रदर्शन करना चाहती है बीजेपी, इसी वजह से इस जाटलैंड पर यह नया दांव चला जा रहा है। अब इसमें कितने मिलेगी कामयाबी, यह देखना महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा अपने आप में काफी ज्यादा अहम है। इसी के साथ शंखनाद में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।